वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट वाल की आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कशेरुकियां। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 हम देख रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको मेरे चैनल पर 9th क्लास का मैथ्स कोर्स करा रहा हूँ। अगर आप मुझसे मैथ्स कोर्स करना चाहते हैं तो मैं मेरे चैनल पर क्लास 8, क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ्स कोर्स करा रहा हूँ। स्टूडेंट्स मेरे साथ अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब कभी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टूडेंट्स चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। उर्दू में क्या कहता है देखिए, 35 दर्जे वाली कशेरुकनी और 100 दर्जे वाली एक रुकनी की एक एक मिसाल दें, यानी कि 35 दर्जे वाली दो रुकनी। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट देखिए यहां पर दो आपको लफ्ज बताया है, एक है देखिए बाइनोमियल और एक है मोनोमियल, यानी कि दो रुकनी और एक रुकनी। स्टूडेंट्स तो सबसे पहले देखिए मोनोमियल किसको बोलेंगे जिसके अंदर एक रुकन, मिसाल के तौर पे एक्स, ये मोनो है एक ही। बाइनोमियल क्या है स्टूडेंट देखिए, एक्स प्लस वन, ये वाला है आपके लिए। तो ये देखिए ये मोनोमियल जिसमें एक ही रुकन है, बाइनोमियल जिसमें दो रुकन है एक से ज्यादा, यानी कि बाई यानी कि दो कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट दर्जा किसे बोलते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर एक्स की तीसरी जमा एक्स की दूसरी, ये कशेरुकनी का दर्जा। आपको बेसिक क्लास में मैं इंट्रोडक्शन तमाम बताया हूं, एक्स के ऊपर सबसे बड़ी पावर। तो अब यहां पर देखिए ऐसी दो दर्जी कशेरुकनी बनाना है, दो रुकनी कशेरुकनी जिसका दर्जा 35 रहना। देखिए मिसाल के तौर पे 3x^35 = 4। देखिए दो दर्जे हैं क्या, दो रुकन है क्या, एक रुकन है दो और पावर आ गया 35। स्टूडेंट्स ये आपका पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा वाला, अब मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 होना है। देखिए स्टूडेंट्स मोनोमियल कैसे बनाएंगे, 4y इसकी पावर 100, ये देखिए एक ही रुकन है पावर 100, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए स्टूडेंट्स, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मंदरजा ज़ैल हर एक कशेरुकनी का दर्जा लिखें। तब देखिए स्टूडेंट्स आपको मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि दर्जा कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर 1 का सोल्यूशन हल, यहाँ पर देखिए 5x की तीसरी प्लस 4x की दूसरी प्लस 7x, यहाँ पर x के ऊपर सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसकी जो डिग्री रहेंगी स्टूडेंट्स वो रहेंगी 3, जिसे उर्दू में बोलेंगे दर्जा, ठीक है। अब इसी तरह से सेकेंड का देखिए, y की सबसे बड़ी पावर है 2 स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से थर्ड का देखिए, y t यहां पर वेरिएबल है, यानी कि t अपने पास मुद्गिर है, t के ऊपर कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहता है, तो इसका जो डिग्री है वो 1। अब यहां पे देखिए खाली कॉन्स्टेंट्स है, तो यहां पर जो पावर रहेंगे स्टूडेंट्स ये रहेंगी आपकी 0 स्टूडेंट्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए स्टूडेंट्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मंदरजाइल की खती दो रुकनी दो दर्जती और काप कसे रुकनी में दर्जा बंदी कीजिए। चलिए अब दर्जा बंदी कर दिखाता हूं मैं कि कितने दर्जे की है। नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर 2 है, यानी के क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इस तरह से आप लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब तो अपने नोट्स में अच्छी तरह से बना लीजिए। अब यहां पर देखिए ये वाला पावर सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। थर्ड वन देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहां पर तो दर्जा सबसे बड़ी पावर 2 है, ये भी हो जाएंगी क्वाड्रेटिक, यानी कि दो दर्जे लिख लीजिए, ठीक है। एक्स के ऊपर सबसे बड़ी पावर देखिए यहां पर 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर। यहां पर फिफ्थ वन में देखिए स्टूडेंट्स, 3 के टी के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर कुछ भी नहीं है तो हमेशा 1 रहेगा, तो ये भी हो जाएगी आपकी लीनियर। अब देखिए यहां पर आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ा 3 के ऊपर जो पावर है क्यूब है, इसलिए ये हो जाएगा क्यूबिक। स्टूडेंट्स उर्दू में जिसे कहेंगे
कति को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे लीनियर, और दो दर्जती को क्वाड्रेटिक, और काब को क्यूबिक बोलेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से आप यहां पर उर्दू में भी लिख लीजिए, ठीक है। काब दर्जती, काब दर्जती, ठीक है, काब दर्जती लिख दीजिए, इसको दो दर्जती लिख दीजिए, और इसको खती है तो इसको लीनियर है, इसको खती कसी रुकनी। आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.3 यहां पर हमारी कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में अगली मस्क स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आएगी। स्टूडेंट अगर समझ में आया है तो लाइक करके बताएंगे क्लास कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।